चेन्सो मैन का एनिमे खत्म हो चुका है और उसको पूरा देखने के बाद मैं क्या सोचता हूँ, आई थिंक इट वॉज ओवर हाइप्ड। इससे पहले कि तुम लोग गुस्सा हो जाओ, लेट मी एक्सप्लेन, पूरा वीडियो उसी के लिए तो बनाया है। तो देखो, चेन्सो मैन एनिमे को शुरू करने से पहले मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं। मैं चाहता तो इसकी मांगा रीड कर सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, अपन सीधा एनिमे देखेगा, क्योंकि वैसे तो सिर्फ 2-2.5 साल ही हुए हैं मुझे रेगुलर एनिमे शुरू करके, लेकिन चेन्सो मैन के लिए जो हाइप थी वो मैंने आज तक किसी और एनिमे के लिए नहीं देखी। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण मुझे ये शो थोड़ा ओवर हाइप लगा, एक्सप्लेन करेगा वीडियो के एंड में। अभी बात करते हैं जो इसके सीजन 1 के एकदम पॉजिटिव पॉइंट्स थे, इसका स्टोरी और इसकी प्रीमाइस, क्योंकि उसके जो मोटिवेशंस हैं वो इतने ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है, मैं बोलूंगा, क्योंकि वो एक फ्रेशनेस वाला फील दे जाते हैं कि भैया उसके पास सुपर पावर है, वो इविल से लड़ रहा है, वो डेविल से लड़ रहा है, सोसाइटी और जस्टिस के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बुरे लोगों को मारने के बाद उसको खाने के लिए ब्रेड और जैम मिले और फील करने के लिए टिटीज। मैं खुद बिलीव नहीं कर सकता कि मैंने वो वर्ड यूज किया, लेकिन घुमा फिरा के बोलना पड़ता है भाई, यूट्यूब को पता चल गया हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसे करके वीडियो डिमोनेटाइज करेगा। चेन्सो मैन यूनिवर्स के अंदर पावर स्ट्रक्चर का जो एक आइडिया दिया है ना अपने को, किसी चीज को अगर लोग ज्यादा फियर करते हैं तो उसका डेविल उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, जिसके बारे में सोचने जाओगे तो ये एक्चुअल में बिलीव होता है और काफी ज्यादा क्लेवर भी है। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं पोचिता भाई सबको, और एक डरना है इनसे, सामने मिल गया तो डर के भागोगे या अपने घर ले जाओगे पेट बनाने के लिए। हाँ, लेकिन पोचिता का एकदम अपोजिट अपने को दूसरी चीज दिखाई है, जो भाई डेविल है या नहीं, लेकिन उसे डरना जरूर चाहिए, माँ की माँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमने भले ही नारुतो से लाइफ लेसन सीखे या नहीं सीखे, मैं अभी बता रहा हूँ, अगर इसके जैसी कोई तुम्हारी जिंदगी में मिल गई, पांव उल्टे करके हाथों में भागना चालू कर देना भाई, जिंदगी की लगने वाले तुम्हारे। कुत्ता बनने को बोलेगी, अगर तुम बन गए तो कुत्ते बनने लायक भी नहीं रहोगे। रेस्ट ऑफ द कास्ट की बात करें तो आइकॉनिक ट्रियो को पूरा करने के लिए है और पावर है। प्रोमोस देख के लग रहा था कि ये अपने नारुतो, सास्के और साकुरा होंगे, लेकिन नहीं, आई वाज रॉन्ग। क्योंकि आकी को ले लो, उसकी जिंदगी का एक ही पर्पस है, जिसने उसकी फैमिली को मारा, उस एक इंसान को उसको मारना है। अब फावा के पास फावा होने के बाद भी वो कुछ काम नहीं आती, पहला चांस मिला कि सीधा गायब, लेकिन एटलीस्ट वो साकुरा जितनी यूजलेस तो नहीं है, है ना? वेट, मैं ये उल्टा बोल रहा था सही बोल रहा था? अगली चीज जो चेन्सो मैन काफी बढ़िया करती है ना, कि अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को गोल देने के बाद जब वो एक्चुअल में उनको फुलफिल करता है, पहली बार टच करने मिल गया या फिर पहली बार उसने किस किया, वो वाले मोमेंट्स को मजाक नहीं बनाया या फिर एकदम ओवर द टॉप जाके जो नॉर्मल एनिमेस के अंदर देखने मिलता है, उतना सिली बनाने की कोशिश भी नहीं करी है, जिसके कारण माकिमा जब उसको हैंड मसाज देती है, भाई कितना ज्यादा इंटेंस सीन था वो। ये वाला एस्पेक्ट मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसको एग्जैजरेट नहीं किया है, काफी ज्यादा इंटीमेट और पर्सनल रखा है। क्योंकि तुम सोच के देखो, डेंजी को वो चीज चाहिए तो उसको लेके उसने कितनी सारी फैंटेसीज बना ली होंगी, कैसा फील होगा, कैसा लगता होगा, जब रियलिटी में करने मिले तो रियलिटी हिट करी है, और जब माकिमा ने रियलिटी दिखाई तब तो भाई अलग ही रियलिटी में पहुंच गए वो। चेन्सो मैन के जो मांगाका है उनके ऊपर वेस्टर्न मीडिया का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, जिसको हम लोग इस एनिमे के इंट्रो के अंदर काफी बार स्पॉट कर सकते हैं, और कुछ सारे पोस्टर निकाले थे, वो ऑफिशियल है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन वेस्टर्न मीडिया को काफी ज्यादा रेफरेंस करते हैं। शायद इसीलिए चेन्सो मैन एनिमे का जो ओवरऑल आर्ट स्टाइल है ना, वो किसी भी एनिमे जैसा फील नहीं होता। सुपर पावर्स वाला सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपने कैरेक्टर्स कूल वाले नाम चिल्लाते नहीं अटैक करने से पहले, 5 मिनट तक अपने पावर्स की वाहवाही करना, उनका एक्सप्लेनेशन देना, या फिर अटैक के बीच में जो फोकस फ्रेम होता है, कुछ नहीं। और ये एनिमे खत्म होने के बाद मैंने चेन्सो मैन के कुछ मांगा पैनल्स देखे कलर वाले, और उनके सामने तो भाई काफी ज्यादा डल फील होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एनिमे के अंदर भी उनको इतने सारे कलर्स डालने चाहिए थे, एकदम जो जैसा बनाना चाहिए था, नहीं, जो आर्ट स्टाइल एनिमे के लिए यूज किया है उसके अंदर कलर्स हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा कम सैचुरेटेड है कि लग रहा था भाई ज़ारा के शोरूम में आ गया हूं। पैसों का फ्लेक्स। तुम्हें भी शायद अगर इसके आर्ट स्टाइल या फिर एनिमेशन स्टाइल को थोड़ा चेंज किया होता, वेस्टर्न हॉलीवुड की किसी मूवी के बदले एक एनिमे की तरह बनाने की कोशिश करते, तो फिर शायद फील होता कि ये एक एक्चुअल एनिमे है, क्योंकि ये एक एनिमे है। लेकिन एक चीज जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी मुझे, हर एक एपिसोड के लिए उन्होंने अलग एंडिंग बनाई है, हर बार नया गाना और नए एनिमेशन। सब मैंने सारे तो सुने नहीं, जिसके लिए तुम गाली दे सकते हो, लेकिन एपिसोड 4 की जो एंडिंग थी, टोटली फोकस्ड ऑन पावर, वो काफी ज्यादा पसंद आई मेरे को, क्योंकि पावर डूइंग सिली थिंग्स किसको नहीं पसंद। और सुनने के बाद तुमको मे बी ज्यादा ना लगाओ, लेकिन भाई 12 एपिसोड के लिए 12 अलग एंडिंग बनाना, जितना काम और एनिमेशन इसके अंदर गया ना, शायद आधा एपिसोड तो तैयार हो ही जाता। इसीलिए सोचने वाला एक पॉइंट निकलता है कि क्या 12 अलग एंडिंग बनाने के बदले वो लोग उतना एफर्ट इसकी सीजीआई में दे दिए होते तो थोड़ा इम्प्रूव कर जाता क्या, मे बी शायद, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और इसका सीजीआई अच्छा था, नोटिस
इम्पॉसिबल है बट काम चल जाता है। फिर भी इसके ओवरऑल एनिमेशन को लेके मैं कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखे। एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एपिसोड 8 के अंदर जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की शर्ट निकालती है, मैंने बोला साला बजट तो यही खर्चा किया है उन्होंने, क्योंकि जैसा इस सीरीज का गोल था कि वैसे मोमेंट्स को काफी ज्यादा रियल और इंटीमेट फील करवाना है। और एपिसोड 8 की बात निकली तो उसके पहले मुझे लग रहा था कि यार कोई बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव मोमेंट अभी तक आया नहीं है जो कि शो की हाइप को डिजर्व करे। लेकिन उसके बाद एपिसोड 8 और 9 ड्रॉप हुए काफी ज्यादा क्रेजी भाई। मतलब 8वें एपिसोड के अंदर जब मैं जा रहा हूं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि यस अपना बॉय आज लेट होगा, क्या फाइनली उसको वो चीज फील करने मिलेगी और तब तक साला क्या हो जाता है। मतलब ये एक्चुअल में KLPD कर दिया भाई। लेकिन जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, फिर से उस पे आ जाते हैं कि 12 के 12 एपिसोड खत्म करने के बाद भी अंदर ऐसे थोड़ी खाली खाली सी फीलिंग है। एग्जांपल देना हो तो फिर मेन प्रोटैगनिस्ट डेंजी को ले लो। वो लड़ाइयां लड़ता है, काफी बार हारता है, बहुत बार जीतता है। बाकी सारे जितने भी डेविल हैं, एक बहुत पावरफुल वाले का नाम लिया है, वो भी चाहता है कि भाई मेरे को डेंजी का हार्ट मांगता है। लेकिन उसी डेंजी की तरफ से ऐसा कुछ देखने नहीं मिला कि मैं देख के शॉक हो जाऊं, इम्प्रेस हो जाऊं कि उसने क्या कर दिया। हाँ, वो सच में इतना पावरफुल है कि सारे डेविल्स का अटेंशन डिजर्व करे। काफी बार लड़ता है, काफी बार जीतता है, लेकिन मोस्टली सिर्फ अपने हाथ पाव को स्विंग कर करके। मे बी वो आज के टाइम पे इतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो फ्यूचर में देखने मिले। इसीलिए एक्शन वाइज इस सीरीज की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी ना, वो है माकिमा के पावर्स को टीज करना। मतलब इट वॉज भाई क्या चल रहा है। बढ़िया था, लेकिन एकदम बड़े वाले शोनन एनिमे से जो साकुगा का किक मिलता है अपने को, वो मिसिंग है। और सबसे बड़ा रीजन कि मुझे चेंसो मैन थोड़ा ओवर हाइप्ड लगा क्योंकि ये ओवर हाइप्ड था। जितने सारे लोग इसके लिए एक्साइटेड थे, जितने सारे व्यूज इसको मिल रहे थे रिलीज होने से पहले, जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको पूरा करना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसके रिलीज के पहले ही हो चुका था। अनलेस अगर ये कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी करता एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड तब, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी देखो ये 12 एपिसोड में जो अपने को दिखा है, आई एम हैप्पी विद इट, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। आगे चल के और भी बवाल चीजें होने वाली है उनका अंदाजा है मुझे, थैंक्स टू सम गॉड लाइक पीपल जो अपनी लाइफ में माकिमा डिजर्व करते हैं। कमेंट सेक्शन में स्पॉइलर दे दिया कि कौन इसका मेन विलन है, कौन किसको मारता है, क्या होता है। बेरी थैंक यू, बेरी आरिगातो गोजाइमस, फक यू।